स्थानीय गरीबों का मंजर नहीं पेश फरमाया। मजादारों जनाबे इब्राहिम अमीन अलैहिस्सलाम जब पैगंबर इस्लाम को ये पैगाम देते हैं कि आपका लाल हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, और ये जब खबर जिब्राइल अमीन से पैगंबर इस्लाम ने सुनी तो आंखें पैगंबर इस्लाम की अश्कबार हो गई। ये मंजर देखकर जनाबे फातिमा जहरा ने पैगंबर इस्लाम से पूछा, बाबा आपके रोने का सबब क्या है? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, क्या बेटी फातिमा, अभी अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए थे और मुझे ये खबर दी कि आपका लाल करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, अजीजों अकारीब शहीद कर दिए जाएंगे, बीवियां बेवालियों वारिस हो जाएंगी, सरों से चादरें छिन जाएंगी। उस वक्त जनाबे फातिमा जहरा ने जनाबे रसूल खुदा से सवाल किया कि क्या बाबा जान आप और मैं और अली नहीं रहेंगे? तो रसूल खुदा ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, ना मैं रहूंगा ना अली रहेंगे, ना तुम रहोगी ना हसन रहेगा, लेकिन ऐ जनाबे फातिमा फिर फरमाती हैं कि ऐ बाबा मेरे लाल के गम में कौन रोएगा? तो जनाबे रसूल खुदा फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा घबराओ नहीं, खुदा बंदे आलम एक कौम ऐसी पैदा करेगा जिसके जवान हमारे जवानों पर रोएंगे, जिनकी औरतें हमारी औरतों पर रोएंगी, जिनके बच्चे हमारे बच्चों पर रोएंगे, मातम करेंगे, गिरिया कुना होंगे। हाँ हाँ दादा रानी हुसैन मजलूम करबला, आप और हम और इन तमाम बच्चों ने अपने इमाम जमाना को फुर्सत दिया, शहजादी फातिमा जहरा को फुर्सत दिया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुर्सत दिया। मौला हमारे पुरसे को कबूल कीजिए, मौला हमारे रंज गम को दूर फरमाइए, मौला हम सब में इसी तरह इत्तेफाक और इत्तेहाद मरहमत फरमाइए। इस दुआ के साथ मैं एक मर्तबा मातमी दस्ते से गुजारिश करूँगा कि या हुसैन करके मजलिस का इख्तिताम करें और तमाम बच्चे जो हैं यहाँ रुक जाएं, उनके लिए न्यास का इंतजाम किया गया है। हुसैन हुसैन बंदी है दिल में आ।
अलम है के सकीना है और है चमक रहे है किताब पानी पे Yeah.